हर साल बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। इस बुकर प्राइज को देने के लिए साथी सबसे पहले क्या किया जाता, 13 बुक को या 13 नोवेल को साथी क्या किया जाता, लॉन्ग लिस्ट की सूची में, एक लंबी सूची में डाला जाता। फिर बाद में इन 13 नोवेल में से 6 को क्या किया जाता, शॉर्टलिस्ट किया जाता। और अंत में क्या किया जाता, ये जो 6 शॉर्टलिस्ट नोवेल हुए करते हैं इनमें से एक को विजेता घोषित किया जाता है। तो याद रखे साथी, जो 2022 में बुकर प्राइज के लिए जो 13 लॉन्ग लिस्ट की बुक, 13 लॉन्ग लिस्ट नोवेल की जारी की गई है, इनमें से एक भारतीय नोवेल हो जाता है टॉम ऑफ सैंड। और सबसे बड़ी बात हो जाती है, टॉम ऑफ सैंड एक हिंदी नोवेल से अनुवादित किया गया है जिसके लेखक गीतांजलि श्री जी हो जाती है। तो याद रहेगा साथी, 2022 के लॉन्ग लिस्ट में भारत की तरफ से टॉम ऑफ सैंड पहली बार हिंदी साथी गीतांजलि श्री जी के द्वारा लिखी गई को शामिल किया गया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2021 में बुकर प्राइज के विजेता कौन थे, वो किस देश के थे। और इस तरीके के तमाम खबरों के लिए रोज सुबह में 6 बजे मेरे साथ एग्जामपुर मिर्र चैनल पर जुड़ना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।